yeah? Baba. I can't believe this. I'm so happy. ये माने क्या? मैं जानती हूं इसे, इसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। देखा मैंने इसे अभी कॉरिडोर में अपने फ्रेंड से झगड़ा करते हुए। कॉलेज की ओनर का बेटा है ना ये। आम्स आपको अब घर चले नंदिनी। जी गुरु माम, आइए, मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूं। Where do you think you're going? इतना कुछ बोल के? सच हमेशा हर्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं उसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए। और मैंने जो आज बोला सच है। और ये तुमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। You know what, Dhruv? तुझे एक नहीं, दो मुक्के पड़ने चाहिए। पता नहीं मानिक ने कैसे रोक लिया अपने आप। तूने नंदिनी के बारे में जो कुछ भी बोला है ना, उसके साथ ही तूने अपनी फ्रेंडशिप के सारी लिमिट क्रॉस तो कर दी। लेकिन I don't think so, you have scored any as a man. तू नंदिनी को ब्लेम कर रहा है। अरे नंदिनी ने हमारा हमेशा साथ दिया है यार। Exactly bro. She knew I hated her, but still she campaigned for me. After that, he has my respect. अच्छा? इतनी अच्छी है वो? तो उसने हर्षल के साथ जाके NS3 क्यों बनाया? तो आ वाले केस में मानिक के अगेंस्ट क्यों बोली वो? और आलिया, तुम्हारा और मानिक का ब्रेकअप भी उसी ने कराया। No, हमारा ब्रेकअप नंदिनी की वजह से नहीं हुआ। Manik and I broke up because we were not meant to be. Just like Nandini and Manik are destined to be together. तुम लोगों का पता नहीं, लेकिन नंदिनी, मानिक और मेरी दोस्ती तोड़वाने की वजह जरूर है। जब से वो हमारी लाइफ में आई है, it's your ego. That is why it keeps hurting you. मुझे आज हर्ट नहीं करता because I've let it go, I've moved on. But you? Stuck. That's why you can't get this. Manik, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है इसने किया है। सारी लिमिट क्रॉस इसने करी है। एक तरफ शी वॉज फूलिंग मी, दूसरी तरफ शी वॉज प्लेइंग विद यू। बहुत दिनों बाद गिटार हाथ में लिया ना, सोचा प्रैक्टिस करूं। बाकी आई एम ऑल गुड। लुक मानिक, वी नो व्हाट यू गोइंग थ्रू। थ्रू सिर्फ तेरा फ्रेंड नहीं है, इट्स लाइक योर ब्रदर। और अभी बाहर जो भी हुआ, यू हैव जस्ट हिट थ्रू। You've always been biased to him. तो प्लीज ये मत बोल कि यू आर फाइन। हमसे तो मत छुपा यार। छुपा थोड़ी ना रहा हूँ। In fact, I'm not hurt this time. Hurt तो मैं तब हुआ था जब यानी
लास्ट आउट एट मी। मुझ पर चिल्लाया था। अभी तो शॉक्ड। मैंने हमेशा सोचा था कि ध्रुव कैन लूज हिज काम, कैन लूज हिज कूल, कभी भी। लेकिन मैं और अपना गुस्सा अभी ध्रुव पर आज आई डिड, आई जस्ट कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ बैक। तूने जो भी किया सही किया है, ठीक है, जरा भी अफसोस मत करना। I mean, Dhruv asked for it. Please don't blame yourself. और जो तूने पंच किया ना, it's okay. शायद उसके बाद उसकी थोड़ी अक्कल ठिकाने पे आ जाए। वैसे कैसा है वो? तुम लोगों ने ट्राई तो किया होगा, मैं क्यों अंडरस्टैंड। इट्स ओके मानिक, हो सकता है कि ध्रुव विल रियलाइज हिज मिस्टेक और वो खुद हमारे पास आएगा। हमेशा दिस कुड बी ट्रू व्हाट यू जस्ट सेड। This time it's over. It's over with him. Har gaya. Manik, Manotra, pehli baar. Guys, we have to do something. Situation out of control होती जा रही। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। हम मानी को ऐसे नहीं देख सकते। ये जो तुम खिचड़ी पका रही हो ना, कबीर के माँ ने हमें सब समझाया है। अम्मा, आज आंटी घर आई थी क्या? अरे उन्हें आज घर आने की क्या जरूरत थी, पर उन्होंने पहली नजर में ही पकड़ लिया था कि दाल में कुछ काला है। ये सनी का ही चक्कर है जो तुम हमें बता नहीं रही हो। ये सनी शर्मा तुम्हारी पसंद नहीं है, दामाद जी की मतलब कबीर जी की कुछ बात ही अलग है। अम्मा तुम्हें लगता है कि कबीर हमारी पसंद है? अरे उसमें क्या बुराई है, टीवी के लड़कों की तरह कितना सुशील है, तुम्हारी मदद करता है, ऊपर से उसने खुद बता दिया है कि वो गाय है, बिल्कुल गाय की तरह है। अम्मा प्लीज, तुम ये चाहती हो ना कि हमारा ये बच्चा होने से पहले हमारी शादी हो जाए, तो कबीर से शादी हो चाहे सनी से शादी हो क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बात कर रही हो, हम माँ है तुम्हारी, इसे बिना सोचे समझे तुम्हें कुएं में थोड़े ही ना ढकेल देंगे। कुएं में अरे अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही हमारी मदद कीजिए इसे समझाने में। कब से बोले जा रहे हैं कि आपका बेटा गाय है, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं। आंटी जी, कबीर ने बताया था। आप बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ।
डांस जो आपने कॉलेज में देखा ना मानिक के साथ, ऐसा कुछ गाते वक्त बात नहीं करते। चुपचाप गाओ। अयो शन्नू, तुमने आज इतना सब कुछ बना दिया। एम्स, आप ही की तो रेसिपी है, बस ये पता नहीं कि आप जैसे अच्छा बना है कि नहीं। सब ठीक है। इसका मतलब है बहुत अच्छा बना है। वेरी गुड, अब मानी के लिए एक और डिश होगी। वही तो एक है जो मेरे खाने की इतनी तारीफ करता है। मतलब मानिक घर पे भी आ चुका है? हाँ, लेकिन आप उसे कैसे जानती हो? अरे हाँ, कॉलेज में मिले होंगे, है ना? बड़ा ही सोना मुंडा है। और ये चटनी है ना, और अंदर आके ले ले प्लीज। आजा। एम्स, मानिक बहुत अच्छा है। चाचा और चाची बस नंदनी। मैं ट्रैवलिंग से बहुत थक चुकी हूँ, मैं जाकर आराम करती हूँ। आम जी, मानिक है। मैं जानती हूँ इसे, देखा मैंने ऐसे अभी कॉरिडोर में अपने फ्रेंड से झगड़ा करते हुए। कॉलेज की ओनर का बेटा है ना ये। How could I make this happen for us, Anthony? How can I? I'm sure. Yes, I'm sure Pandit is up to something. कुछ ना कुछ करने वाला। तभी तो उसने नंदनी को बिना बताए He got Ams to Mumbai. प्लीज अपना फोन साइलेंट पर रख। आई एम सॉरी कबीर। मानिक पूछ रहा है उस लड़की का रिप्लाई आया कि नहीं। डबल स्ट्रेस यार उसको। एक तो ये ध्रुव, इसका केस सॉल्व नहीं, और ऊपर से पंडित जिसका तो डेड एंड दिखा, और ये लड़की सुबह से 20 मैसेजेस कर चुकी है। सारे मैसेजेस पढ़ रही है पर रिप्लाई नहीं कर रही। कुछ तो स्टोरी है इसकी और पंडित की। डाउनलोड कॉलर आइडिया, जिससे तुम नंबर देके किसी भी कॉलर का एड्रेस निकाल सकते। सुपर्ब, ट्रुथ सीरम फॉर ध्रुव। व्हाट, इट्स रिटन हियर, किसी से भी सच निकलवा सकता है। कहाँ मिलेगा? चाइना, रांची। रांची में भी मिलता है? नहीं, आई मीन वो लड़की रिद्धिमा, वो रांची में। चल, एक चीज का तो सलूशन है। मानिक को मैसेज करती हूँ, ही बी रिलैक्स्ड। चलो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब ध्रुव का कुछ करना पड़ेगा। करे क्या, अगर मानिक के पंच के बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आए तो उससे बड़ा धमाका करना पड़ेगा। विंटेज फैफाई, the old school way. कैसे, अगर मेरे हाथ में कुछ होता ना तो मैं ध्रुव को किडनैप कर लेती और उसे इतना मारती ना कि उसकी अकल ठिकाने आ जाती। अब सोच रहे हैं यार। Great idea. It's a great idea. इसका भी सलूशन मिल गया। क्या? But with a twist. पिटेगा लेकिन माने। What? Hi, this is मानिक मल्होत्रा। एक्चुअली मैं ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ क्योंकि आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू। आई अंडरस्टैंड कि
जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है पंडित के साथ, I know you don't want to share it with anyone. The reason I'm sending you this message across is because उसने जो भी आपके साथ किया है अब शायद नंदिनी के साथ करना. And trust me, अगर नंदिनी को कुछ हो गया ना तो मैं सॉरी नंदिनी के बारे में बताना चाहती हूँ. नंदिनी इज द गर्ल आई नंदिनी के बारे में क्या बताऊँ मैं. No, she shines like a star, sparkling. But जब वो मेरे लाइफ में आई है ना, my life has completely changed. Yes, I was not. मतलब whenever I see her, उसकी वजह से I started smiling. अगर उसे कुछ हो गया I'm just trying to tell you that if you could just help me out, meri madad kar do to, you know, me and you, we could save her from that pandit. We can actually show his real side to this world if you could help me. I hope you understand. गलती हो गई. मैं अगर अभी और भी कुछ विश करता ना तो वो भी पूरी हो जाती. मानिक, I need to meet you right now. क्यों? क्या हो गया? सब कुछ ठीक है? मानिक, कुछ ठीक नहीं है. I'm supposed से बात नहीं कर रही. और ये पहली बार हो रहा है. This has never happened to me before. मानिक, I need you right now. I need to meet you. अच्छा, listen. वो I'm से जब मैं मिला था आज, तुमने reaction देखा ना उनका क्या था? मुझे देखकर? It was good. So मेरा वहाँ आना and meeting you will create more problems or situation aur bhi kharab ho jayega. So let's just avoid this, okay? I need to meet you, Manik. Tum samajh kyun nahi rahe ho? Nandini, main samajh raha hu. But you also should try and understand. If I come there, situation aur bhi kharab ho jayegi, jo hamesha hoti hai. Aur is baar I am trying to act mature. Trust me. Now, you should understand, okay? Aaj Ams tere saath soegi, theek hai? Hello? Wrong timing. Damn. Nandini. Sounds great. It wasn't good. Mera wahan aana and meeting you will create more problems. So let's just avoid this. But you also should try and understand. If I come there, situation aur bhi kharab ho jayegi, jo hamesha hoti hai. Definitely wrong. करो तो करो क्या?
नंदनी तुम यह क्या कर रही हो?